इससे थोड़ा तुम तो धनी हो सकते हो, वित्तशाली हो सकते हो, लेकिन देश से कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे तुम रॉ मटेरियल विदेश को भेजते हो और वहां से फर्निश गुड्स खरीदते हो, आयरन और भेजोगे, नटवर्ट खरीदोगे, तुम तो सौदागर बन जाओगे, पैसा वाला बन जाओगे, देश से अपनी उन्नति नहीं होगी। मुझे क्या करना है? अरे समुद्र को डूब करके देखो उनमें क्या है, पहाड़ को छोड़ दो, मिट्टी को खोलो, माइंस को निकालो, प्रोसेसिंग करो, लाखों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, रिसर्च और इनोवेशन का प्रसार करो, अपना रिसर्च विंग खोलो, तो देश का विकास होगा। बी ए प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए मार्केट। तब डाटा का डायमेंशन पूरा बदल गया और इसका कारण आज हम डाटा इंडस्ट्रीज का विस्तार सुन देते हैं हमारे कारण। ऐसे मार्गदर्शन गांधी जी ने किया, एक सामान्य धागा को लेकर के गांधी जी ने आजादी का लड़ाई में ब्रह्मास्त्र के रूप में पड़े हुए। इसका कारण है, जब तक हम विदेशों में निर्भर करते रहेंगे अपना सामान्य चीजों के लिए, हमारा देश का आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आएगा, और जब आर्थिक दृष्टि से हम परतंत्र रहेंगे तो राजनीतिक स्वाधीनता असंभव है। उन्होंने विजुअलाइज किया, हमारा देश का गरीबी का ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा इंडिजिनस इंडस्ट्री को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। हमारा स्किल, हमारा इंडस्ट्री विश्व स्तर में सबसे ऊंचा है। 2000 साल पहले जो आयरन पिलर तैयार हुआ था, जो खड़ा है आज ऊपर बिना निशान है, धूप में, बरसात में, शीत में, परंतु एक भी कलंक नहीं है, ये हमारा स्टील का क्वालिटी दर्शाता है। और अंग्रेज आने से पहले हमारा देश में सिर्फ 10,000 स्टील फैक्ट्री थी, और बुनकरों का ऐसा उत्कर्ष था सारा विश्व में, हमारा 98% पूरा ट्रेडेड का अवस्था है। हमारा कपड़ा, हमारा साड़िया, धोती, हमारा शिल्प, हमारा सोना रूपी कितना किसी काम है, फाइन आर्ट्स है, हमारा अस्तर शिल्प है, हमारा मसाला, बासमती राइस, सारा विश्व जाने का व्यापार है। आज बिल्कुल उल्टा है। गांधी जी ने यह सोचा कि हिंदुस्तान के हर आदमी को काम चाहिए, और बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, छोटा इंडस्ट्री। उन्होंने साफ साफ बताया, नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाई मास इज द सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत प्रोडक्शन हो जाने से लोगों का गरीबी दूर नहीं होगा, लोगों का क्राइसिस जब तक नहीं बढ़ेगी। ये बढ़ाने के लिए गांधी जी सोचते थे हर घर को एक इंडस्ट्री बनाया। उनका आश्रम में भी इसी व्यवस्था थी, जो गेस्ट होगा, जो हो, वो कुछ परिश्रम नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा। हर एक को परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपना रोटी कमाना पड़ेगा, मस्ट हैव टू अर्न योर ब्रेड, काम देना पड़ेगा। गांधी जी ने जैसे शुरू किया, सबको तो वस्त्र चाहिए, इसलिए वस्त्रों के द्वारा निर्माण के द्वारा एक लड़की आकर गांधी जी को अपना ऑटोग्राफ देने के लिए बोले। गांधी बोले, मैं ऑटोग्राफ तब दे दूंगा जब तुम ये प्रतिज्ञा करोगी। बोले कि क्या प्रतिज्ञा है बापू? प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि जीवन भर सुक्ति की कटाई करोगी और उसी में तैयार हुआ वस्त्र पहनोगी। वो लड़की तुरंत प्रतिज्ञा कर दिया और गांधी जी ने ऑटोग्राफ। ऐसा खादी को एक नेशनल प्राइड के रूप में गांधी जी ने प्रस्ताव किया। कई सम्भ्रांत पुरुष, राजा, महाराजा अपना जो कपड़ा सब लंदन से, पेरिस से लाते थे, उस लाकर तो होली जलाए। और श्री अरविंद बोलते थे, स्वदेशी वंदे मातरम नेशन, ये राष्ट्र भक्ति का प्रतीक बन गया है। आजादी का लड़ाई में खादी एक ब्रह्मास्त्र के रूप में शामिल, क्योंकि ये सारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आधार ही खादी, और ये एक अहिंसक प्रयोग था। और खादी ऐसे भी कपड़े के हिसाब से इसका गुणवत्ता अतुलनीय है, अनन्य है, साधारण है, सारा विश्व जाने। ये एक ग्लोरियस कल्चरल हेरिटेज के रूप में भविष्य में जाना जाएगा। ऐसा कई प्रयत्नों के द्वारा खादी को विश्व स्तर में प्रचारित करना होगा। मैं तो समझता हूँ कि बचपन से हमारे जो स्कूल के बच्चों, उनके लिए भी जो वस्त्र दिया जा रहा है, ये भी खादी वस्त्र, और इनके साथ साथ इनको खादी की गौरवपूर्ण परंपरा के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। खादी सिर्फ एक व्यवसाय का केंद्र नहीं, व्यवसाय का आधार नहीं है। खादी हमारा देश का गौरवपूर्ण सांस्कृतिक उत्तराधिकार का प्रतीक है। ऐसा सम्मान के साथ खादी के प्रति व्यवहार करना चाहिए, और इसका फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के साथ जयपुर हुआ है। इसके कारण भी इसका डिमांड सारे विश्व में बढ़ने वाला है, इससे लोगों को तो रोजगार मिलेगा, और इस गौरवपूर्ण
प्रेरणा का भाव होगी और ये प्रेरणा जगाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज जब ये प्रेरणा जग जाएगा हमारा युवा लोग खादी के साथ जुड़ जाएंगे और खादी का इंटरनेशनल डिमांड बढ़ाने के लिए इस युवा शक्ति का सदुपयोग